यह स्थिति जस की तस, जैसा कि एक हफ्ते या 15 दिन पहले हम देख रहे थे, आज भी हालात वैसे ही हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप प्लीज। दिल्ली की जो टोटल रिक्वायरमेंट है मेडिकल ऑक्सीजन की वो 976 टन की है। और इमेजिन कीजिए चित्रा जी के इसको जो दिल्ली को 400 450 टन की जो है वो ऑक्सीजन मिल रही है। अब ये ऑक्सीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आने वाले समय में ये भी बता दूं एज अ मेडिकल डॉक्टर कि इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो अगर 976 टन की जरूरत है तो 976 टन ही मिलना चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी से ना केवल मौत होगी लेकिन लोगों के ऑर्गन्स में भी इरिवर्सिबल डैमेज होगी, चाहे वो किडनी में, ब्रेन में, लिवर में या हार्ट में होगी। तो ऑक्सीजन मिलनी बहुत जरूरी है। मेन स्टे ऑफ थेरेपी जो है कोविड के अंदर वो ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन की अगर कमी चलती रहेगी, आप इमेजिन कीजिए अगर हॉस्पिटल्स में कमी है तो घरों में लोग कहां से ऑक्सीजन लाएंगे जिनको एडमिट नहीं कर पा रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, लगातार चल रही है। चित्रा जी हम लोगों ने पहले भी प्रोग्राम किया लेकिन वो कमी चलती जा रही है। अब मुद्दा यह आता है कि इसमें अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लग गए तो बहुत सीरियस बात है। इसमें सेना भी आए, वाजू सेना भी आए, और जितनी मदद हो सके, डेफिनेटली इमरजेंसी की सिचुएशन है। अगर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की, मैं एक चीज बता दूं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में वही एडमिट हो रहा है आजकल जो अच्छे से, जिसको की सौभाग्यशाली है, जिसको वहां बिस्तर मिल रहा है, अगर वहां पे भी वो सेफ नहीं है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो इसमें कोई विकल्प में कोई बुराई नहीं है कि सेना को बुलाएं या वायु सेना को बुलाएं और ऑक्सीजन की सप्लाई इमीडिएट शुरू करें। ना केवल ऑक्सीजन की सप्लाई, एक चीज और बता दूं, आने वाले समय में मेडिकल मैन पावर की भी कमी होने वाली है, दवाइयों की भी कमी होने वाली है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और ऑक्सीजन की भी कमी बढ़ने वाली है। आज से 5 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 700 टन की रिक्वायरमेंट है और आज 976 टन की रिक्वायरमेंट है। हफ्ते के अंदर अगर ये 250 टन बढ़ रही है, इस तरह से आगे भी अगर बढ़ती जाएगी तो इसमें समस्या आ जाएगी। तो ये विकल्प बिल्कुल ठीक है, और इसमें हमें ऐसा भी नहीं लेना चाहिए कि सरकारें फेल हो गई हैं या क्या है, ये त्रासदी आई है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर हो, ये आराम से बैठे इस सब्जेक्ट को संजीदगी से देखें। अगर स्टेट को, सेंटर ने ऑक्सीजन देनी है तो दे दे। जमीन के ऊपर हालात बड़े खराब है, ये मैं बता दूं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोविड के पेशेंट को अगर मौत होती है तो हम दोबारा से आदिवासी युग में चले जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। तो मैं ये सोचता हूं कि ये बहुत संजीदा सब्जेक्ट है, और ऑक्सीजन की कमी आप चित्रा जी इस तरह से लीजिए, अगर मेरा आपका कोई गला घोट दे और 2 मिनट में कितना तड़फ तड़फ के मौत होगी। तो मैं सोचता हूं कि ये, और हम प्रोफेशनल्स भी रोज इसी चीज से युद्ध कर रहे हैं, इसी चीज से जो है अपने कॉन्शियस को बना रहे हैं, और इसके 2-3 परिणाम हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स ने नई एडमिशंस लेनी भी बंद कर दी है क्योंकि पुरानों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे। तो इस तरह से त्राही त्राही फैलेगी, एमरजेंसी की सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और एमरजेंसी के लिए कुछ भी हो सके, चाहे सेना आए, चाहे वाजू सेना आए, या चाहे उठा उठा के ये इंटरनेशनली ऑक्सीजन को लाएं, ऑक्सीजन की कमी होनी नहीं चाहिए। ये त्रासदी अब रुकनी चाहिए, और ये टाइम इज द सेंस, और ये मिनटों के हिसाब से रुकनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले से इंप्रूव हो गई, अगले हफ्ते बेटर हो जाएगी, अगले हफ्ते तक तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाएंगी, पता नहीं कितनों के ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। इसको इमीडिएट लेना चाहिए, और मैं एज ए मेडिकल प्रोफेशनल स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूं कि इसके अंदर सेना भी उतरे, बाजू सेना भी उतरे, और भी जितने विकल्पों को सब लिए जाए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब युद्ध जैसे हालात हो तो देश को अपनी पूरी ताकत उससे निपटने में लगा दी जानी चाहिए। रागों में आऊंगी, रागी भी हाथ उठा रही थी, लेकिन गौरव भाटिया, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सबसे ज्यादा आपकी ही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे देश में सुनिश्चित हो पाए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल किया जाए, ये तो आपके हाथ में है। उन्होंने 2 मिनट का एग्जाम्पल देकर बताया कि अगर गला घोंट दिया जाए तो किस तरह से जान जा सकती है। यहां पर अगर अगले हफ्ते का हम भरोसा देंगे कि अगले हफ्ते तक सप्लाई सुनिश्चित हो जाएगी, तो आप सोच रहे हैं हालात हाथ से अभी भी बाहर हैं, और तब तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। ये कब तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि ऑक्सीजन की जहां जहां जो जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा? गौरव देखिए चित्रा जी, जो डॉक्टर मलिक ने कहा, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक रूप में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारी पहल हुई है ऑक्सीजन एक्सप्रेस, इससे 1125 मेट्रिक टन ऑक्सीजन डिलीवर किया गया है, और ऐसी 7 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है जो
24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाएंगी दिल्ली में, यूपी, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में। ये 422 मेट्रिक टन है। लेकिन दुख पता है कब होता है, ये डॉक्टर साहब से आप पूछ लीजिएगा कौन राजनीति कर रहा है। ऑक्सीजन कोई ऐसा नहीं है कि आपने हवा में छोड़ दिया, स्टेट का सब्जेक्ट होता है हेल्थ, क्रायोजेनिक टैंक चाहिए होते हैं। ये मेरे हाथ में दिल्ली सरकार का और ये राजस्थान सरकार का, ये जो फटकारे लगेंगे हाईकोर्ट से उसके बाद कह रहे क्रायोजेनिक टैंक दीजिए। ये राजस्थान और दिल्ली की बात कर रहा हूं, उसके बावजूद इनके पास टैंक नहीं थे। हमने जो टैंक उपलब्ध थे वो उपलब्ध कराए। और ये भी जानकारी दे दूं, ये दो दिन पहले की है, 50 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली को दिए गए हैं। और जो सरदार पटेल कोविड सेंटर है वहां पे भी हमने 35 ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े दिए हैं।